Assalam guys, my name is Syed, Abbas, Zaidi and आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं 8 बिट पैरेलल एडर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 3 बिट पैरेलल एडर को ड्रॉ किया था, उसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ की थी। अब हम 8 बिट पैरेलल एडर ड्रॉ करने जा रहे हैं। 8 बिट पैरेलल एडर की सबसे पहले मैं आपको आईसी की डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि आईसी किस तरीके की होती है और वो किस तरह से काम कर रही होती है। ये इस टाइप की हमारे पास आईसी होती है। इस आईसी का नंबर होता है 74LS283। ये इसका आईसी नंबर है। यहाँ पर हमारे पास 4 आउटपुट्स आ रही होती हैं और यहाँ पर हमारी 8 इनपुट्स हो रही होती हैं। ये सारी हमारी इनपुट ए होती हैं, ये सारी हमारी इनपुट बी होती हैं और इस जगह पर हमारे पास सी आउट हो रही होती है, कैरी यानी कि आउट हो रही होती है और यहाँ पर कैरी इन हो रही होती है। कैरी की ये वाली हमारे पास होती है और ये हमारी आउटपुट्स होती हैं इस साइड पे, जो हमारे पास इनका सम आ रहा होता है 4 बिट्स का और यहाँ पर कैरी आ रही होती है। तो इस तरीके से हमारे पास आईसी होती है। इसको यूज़ करते हुए हमने 8 बिट का कंपैरेटर बनाना है। हमारे पास एक 8 बिट की जो है वो क्वेश्चन गिवन है कि उनको हमने सम कराना है। दो 8 बिट की टर्म्स बाइनरी कोड गिवन है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना सर्किट। ये हमारे पास इस तरीके से हो रही होती हैं। इसमें भी यहाँ पर हमारी ए इनपुट्स आ रही होती हैं और यहाँ पर हमारी बी इनपुट्स आ रही होती हैं और ये हमारी आउटपुट निकल रही होती है। सम की आउटपुट यहाँ पर हमारी यानी कि आ रही होती है, सिग्मा जो हमारा है वो यहाँ पर आ रहा होता है। अच्छा, अब इसको हम कनेक्ट किस तरीके से करते हैं, इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है कि हम जो है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करा देते हैं। जो पहले वाले की सी आउट होती है यानी कि पहले वाले कंपैरेटर 8 बिट एडर की जो है आउटपुट कैरी की आउटपुट आ रही होती है, वो दूसरे वाले की कैरी की इनपुट बन जाती है। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और ये वाली पिन जो है हम ग्राउंड करा देते हैं। ये पिन हमारी ग्राउंड हो जाती है। अब हमने इसको इनपुट्स देनी है। हमारी इनपुट्स किस तरीके से होंगी, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ कि हमारी क्या क्वेश्चन है कि हमने किन दो नंबर्स का सम कराना है। हमारे पास है 10, ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से गिवन है। ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं 8 बिट्स की। इन दो इनपुट्स को हमने जो है वो इनपुट करना है और सबसे पहली जगह पर हम ए की इनपुट करेंगे और दूसरी जगह पर हम बी की इनपुट करेंगे। यानी पहली 4 बिट्स जो हैं इसमें, यानी कि जो LSB और MSB का भी हम ख्याल रखते हैं कि जो हमारी LSB आ रही होती है वो LSB हम लोग लेते हैं इस जगह से, इस जगह से हमारी LSB स्टार्ट होती है। तो हमारी LSB ये चीज़ है, ये हमारी ए इनपुट है, ये हमारी बी इनपुट है, ये ए है ये बी है। इनको हम 4-4 में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। ये 4-4 में हमने डिवाइड कर ली। अब हमारे पास पहली इनपुट क्या आ रही है, 1001 ए की, 1001। उसके बाद बी की क्या है, 1101, 1101। और इसी तरह से फिर मेरी दूसरी इनपुट ए की क्या है, 1101, 1101। और मेरी इसकी बी की इनपुट क्या है, 1101। ये यानी कि दोनों मेरे पास सेम है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 आंसर इस जगह पर आ रहे होंगे, 4 आंसर उस जगह पर आ रहे होंगे और मेरी कैरी जो है वो कैरी का आंसर जो है वो नीचे की साइड पर उस जगह पर मेरा कैरी का आंसर आ रहा होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 1110 और इस जगह पर भी 1110 और ये हमारी कैरी जो है वो 1 हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम इस चीज़ को LSB ले लेंगे, ये हमारी LSB टर्म हो जाएगी, वो हमारी MSB टर्म हो जाएगी और हम इस तरीके से इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 8 बिट पैरेलल एडर ड्रॉ किया था। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम लोग मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।